हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका भी सीरीज सब कुछ चैनल में। दोस्तों आज जो है ना एक न्यू एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, और एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, अगर 1000 व्यूज आए या 2000 उसका पता नहीं, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हो अगर आप पूरा देखेंगे ना, आप ज़िंदगी में कभी फंसेंगे नहीं। क्योंकि ये नल का जो प्राइस है 1 लाख रुपये से ऊपर है और 1.5 लाख से कम है लगभग। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ, आप क्लाइंट हो या प्लम्बर, आपका कभी नुकसान नहीं होएगा और ज़िंदगी में आप कभी भी फंसेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये नल अगर आपका कभी भी लीकेज होता है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ से स्क्रूड्राइवर से क्लीन किया जा रहा है यहाँ से लीकेज था, और यहाँ से अभी रिपेयर किया जाएगा। एक लीकेज है, और एक लीकेज जो है इस पिलर को मैं मतलब पानी रुक नहीं रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आपको फोटो भी दिखाऊंगा लास्ट में। देखिए पानी धीरे धीरे खाली हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 10 मिनट में खाली हो जाता है पूरा। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसा नल 1 लाख 1.5 लाख नल होता है और कभी भी लीकेज या कुछ भी हो जाता है, और आप अगर प्लम्बर हो तो आप बिल्कुल मत करिए, और अगर आप क्लाइंट हो तो आप प्लम्बर से ये काम मत करवाइए। क्यों, प्लम्बर कर नहीं पाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं, प्लम्बर कर पाएगा पर आपका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा अगर कुछ भी आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, आपका प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि इसे खोलने के लिए, लेकिन इस सर्विस जो है ये सर्विस आपको करवाना पड़ेगा आपका जो कंपनी, जो भी कंपनी ब्रांड है उस ब्रांड का सर्विस सेंटर में आपको कॉल करके बुलाना पड़ेगा। प्लम्बर का काम है पूरा खोल देना, खोल के उनको दे देना और बोलना है जो भाई आप सर्विस करो, इसका रिपेयर करो। अब क्यों, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिए, अगर ये रिपेयरिंग अगर कोई प्लम्बर करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाएगा, इसका जो पार्ट्स है, आपको इंडिया में कहीं पर भी इसका पार्ट्स कोई शॉप में नहीं मिलेगा फास्ट। और यहीं पर आपको इस जानकारी का आपको पहचान बताता हूँ, अगर ये पार्ट्स नहीं मिलेगा तो मिलेगा कहाँ, कंपनी वाले के पास। हाँ, कंपनी वाले के पास मिल जाएगा पार्ट्स, वो भी लूच नहीं, दूसरे नल से। आप यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर आप प्लम्बर हो इसे रिपेयर करते हो तो कंपनी वाले का बोलना ये रहेगा, ये तो बिगड़ गया है, इसका पार्ट्स तो मिलेगा नहीं, आपको नया नल लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ में आप फंस जाएंगे और आपका नल जो है वहाँ क्या होएगा, वेस्टेज हो जाएगा, या फिर आपको नया दूसरा नल लगाना पड़ेगा, कुछ भी हो। अगर कंपनी वाले इसे रिपेयर करते हैं तो आप क्या फ़ायदा होएगा इसमें, इसमें यही फायदा होएगा कंपनी वाले का, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, आपका नल है, इतना दिनों में बिगड़ चुका है, आप सर्विस भी देते हो, सर्विस लीजिए, जो भी चार्ज है वो दूंगा। तो यहाँ पर सर्विस करेंगे, जब भी कुछ भी थोड़ा सा एक नट भी ख़राब होता है ना इस सब का, इस सब बहुत मतलब ये चीज नल है, अगर इसका अंदर का छोटा छोटा जो ऐसा पार्ट्स है जो इस सब मिलना मुश्किल है, अगर वो चीज़ अगर ख़राब होता है तो कंपनी वाला दूसरा नया नल से खोल कर आपको देंगे, और उसका जो प्राइस है सिर्फ वही प्राइस लेने वाले हैं, ये चीज़ जानकर रखिएगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं मानता हूँ, लेकिन जो है पूरा नल आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा अगर कंपनी वाले ये करते हैं। एक वारंटी का टाइम होता है, तो उस टाइम में तो आप बेशक ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, यही चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और आप कंपनी वाले से करवाइए सर्विस, और आप उसके बाद अपने आप प्लम्बर से फिटिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो फिटिंग मैं किया हूँ बट सर्विस जो की है वो कंपनी वाले, क्योंकि इसका जो सामान है वो मिलना मुश्किल है, अगर मैं करता तो फंस जाता, अगर कुछ भी करता तो और भी ज़्यादा मैं फंस जाता, तो इसके लिए कंपनी वाले को ये देकर सर्विस करवाया हूँ यहाँ, और उसके बाद फिर चेक किया, फिर मैं ही फिटिंग किया हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है अभी मतलब रिपेयरिंग हो चुका है, थोड़ा बहुत चेकिंग चल रहा है, पानी लगा के फिर से चेकिंग करना पड़ेगा जो ओवरफ्लो काम कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पर जो है कुछ खास नहीं लगा, सिर्फ आप देख सकते हो हार्पिक देकर मतलब ऐसे ही सफाई कर दिए है। आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए, चलिए मैं पानी चालू यहाँ पर करवा देता हूँ, और यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, यह पानी निकल रहा है, ठीक है, इस जो पिलर को कहे वो कांच का या फाइबर कुछ भी होएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो पानी भरा हुआ है आपका बेसिन मिक्सचर में, ओके, इस बेसिन मिक्सचर में यहाँ पर ऐसा पानी भरा हुआ रहना चाहिए, वो जो आप स्टिक देख रहे हो ये चीज़ जो है ये ड्रेन पानी है, ओके, अगर आप खाली करना चाहते हो ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली ये पानी टपक रहा है, तो ये जो है आपका ऑटोमेटिकली टपकना नहीं चाहिए, ये अगर टपकता है तो आप समझ लीजिएगा ये बिगड़ा हुआ है,
ठीक है, वो पानी हमेशा फुल रहना चाहिए। अगर आप खाली करना चाहते हो तो आपको वो जो एक स्टिक दिख रहा है आपका सलिए जैसा, उसे ऊपर खींचना पड़ेगा तो वो खाली होएगा, नहीं तो नीचे प्रेस करेंगे तो खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ टपक रहा है तो इसे और भी रिपेयर करते हैं। देख लीजिए फिर से वेशिंग मिक्सचर में जो है मतलब हार्पिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाले हैं, मतलब शायद जंग लगा होगा अंदर और कचड़ा वचड़ा होगा इसके लिए ये हो रहा है। पर जो भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, ऐसा बड़ा नल में आपको लगता है हाँ ये मेरे भाई ये करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है, क्योंकि दो लीकेज था, एक जो है जॉइंट लीकेज था, जॉइंट लीकेज तो मेरे हिसाब से मैं बंद नहीं कर सकता कभी, लेकिन ये जो बंद किए ये भी बंद नहीं किए। अगर आप देखेंगे वही देख लीजिए वहाँ पे सिलिकॉन लगाए हैं, देख रहे हो सिलिकॉन लगाकर बंद किए तो नल जो है ख़राब दिखता है ऐसे, तो वो कंपनी वाले समझेंगे, क्लाइंट समझेंगे। अगर प्लम्बर करते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे अरे यार गंदा कर दिया, तो ये चीज़ है। तो जो भी चीज़ है कंपनी वाले को बुलाइए इस सब चीज़ में और करवाइए, ठीक है। और देख लीजिए नीचे सिर्फ हार्पिक ही डाले हैं और कुछ नहीं डाले हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ एक्सपीरियंस रिपेयरिंग में बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताया जो आपके जानकारी के मुताबिक, क्लाइंट हो या फिर आप प्लम्बर देख रहे हो जो भी देख रहे हो आपके हिसाब से ये चीज़ बहुत फ़ायदा रहेगा। और चलिए इस सब फिटिंग कर लेते हैं और आपको नल जो है वो दिखाते हैं वहाँ पर समझाते हैं, ठीक है। ये जो है कंप्लीट हो चुका है फिलहाल, जो अभी थोड़ा देर चेक किया हूँ जहाँ का पानी वहीं रुका है, आप देख सकते हो मतलब पूरा पानी जहाँ तक था वहीं रुका है। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये देख लीजिए, बिल्कुल पानी स्टॉप है, मतलब नीचे जा नहीं रहे, मतलब लीकेज बंद है फिलहाल। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यहाँ से आप खोलेंगे दो जो देख रहे हो आप, ये अगर घुमाएंगे तो यहाँ पर आपका पानी निकलेगा, ठीक है, मतलब वहाँ पर आपको टच करने का ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ जो है इसमें दो आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो है आपका ये सलिया देख रहे हो अंदर जो है मिडिल में, ये सलिया जो है ये सिर्फ एक ही काम करता है। अगर आपका ये जो अंदर पानी देख रहे हो आप, ये ओपनली ऐसे ही रहता है ये नल, ठीक है, वो अगर आप खाली करना चाहते हो तो उसे आपको ऊपर की साइड जो है ना बस खींचना पड़ेगा और कुछ नहीं। ऐसे आप खींचिएगा, मतलब ऐसा नहीं ताकत है ईजिली, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, खींचिएगा तो आपका ये पानी खाली हो जाएगा। लेकिन ये बिना खींचने के वजह से पुल बिना करते हुए भी पानी खाली हो रहा था, यही प्रॉब्लम था, मतलब ड्रेन में जा रहा था। नीचे जो ड्रेन है ये देख लीजिए, यहाँ पर तीन पॉइंट है, एक जो है आपका गर्म ठंडा का पानी आएगा और सेंटर वाला जो है वो ड्रेन में जाएगा, और वो लाइन आपका कहाँ जाएगा, वेस्ट वाला लाइन में, मतलब जो आप वॉश करते हो जो पानी ड्रेज में जाता है ड्रेन में उसमें ही गया है, देख लीजिए कनेक्ट हुआ है, देख रहे हो। तो यही सिस्टम है और कुछ नहीं है, पानी खाली करना भरना और जो जानकारी दिया हूँ। हाँ आप ये समझ रहे हो शायद बहुत बड़ा वीडियो हो गया, नहीं जी वीडियो बड़ा नहीं है, जानकारी बड़ा है। 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो हो सकता है लेकिन आपके लिए जो जानकारी है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी दोस्तों हमारा और एक नया चैनल है जो काफ़ी नया है, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर जब तक हो जाएगा तो उसमें भी आप लोगों का सवाल से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा वीडियो आता रहेगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब करिए उसे, 1000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए, और ताकि मैं भी वीडियो आप लोगों का सवाल को लेकर कुछ बना सकूं। और बस और कुछ नहीं है, इस चैनल में भी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। फिर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।